रेडी जी ब्रेकफास्ट करने के लिए। बीटरूट का ही कलर ज्यादा है। राम राम जी, कैसे आप सभी? हम पजीत है, आप सभी के ऊपर वाले का आशीर्वाद है। एकदम बढ़िया सुबह के हो गए 7:30। थोड़ी सी देर हुई है उठे हुए, 7 बजे उठे हो लगभग। और आज मैं और योशी चल दिए हैं और छींची मार रनिंग करने। सुबह सुबह थोड़ी धूप लेके आएंगे। निशु नहीं जा रही, उसको भी बोले बेटा चल रहे, नहीं चल रहे, लेट हो गया, धूप तो निकल चुकी है। सोचा था थोड़ा जल्दी जाएंगे, धूप हल्की हल्की निकलेगी, धूप लेके, पर धूप तो निकल गई, आ गई। बैठने जैसे तभी हो रही, फिर तेज हो जाएगी। आज तो पिंकी के किचन में बहुत कुछ बनाया है और टेस्टी टेस्टी लग रहा है। चेक नहीं किया जी, पहली बार बनाया है। ये देखो, ये बन गया, ये इधर बनने लग रहा है। ये है सूजी और इसमें बहुत सारी सब्जियां भी हैं, जो जो मेरे पास थी घर पे, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें ऐड की है बीटरूट, तो बहुत कम डाला क्योंकि बच्चे नक्का करते हैं। तो इसमें है प्याज, आलू, बीन्स और हरी मिर्ची, धनिया और वैसे सूखे मसाले, सब्जियां और नहीं थी, घिया थी, घिया मैंने नहीं डाली। तो इस तरह से आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते, जैसे मटर होती तो और भी अच्छा रहता। तो नहीं है, तो ये बन गई और ये बन चुकी है। ये थोड़ा सा मैंने उपमा बनाया, नहीं उपमा का बोल रही थी, और ये बनाया है देखो गर्मा गर्म तोहफा। इसमें हल्दी का रंग भी फीका हो गया क्योंकि मैंने इसमें ना एक बीटरूट डाल दिया, तो बीटरूट ने अपना इतना कलर छोड़ दिया कि हल्दी डाली बट दिख ही नहीं रहा कि इसमें हल्दी भी है, पूरा वैसे कलर का हो रहा है रेड रेड सा। तो ये बनाते हैं और खाते हैं। यहाँ पे मम्मी कर रही है कुछ लैपटॉप पे का, और ये आ गया निशु का पार्सल जिसमें है, तो खोल दे। ये रहे उसकी, अबे ये तो इसके गंदा मत कर दियो। मैं तो नहीं करूँ, अजीब लग रही है, अजीब कैसी होती है। ये कट मत करना, साइज देख और पहन के देख। चल पहन, क्या पहन, क्या जा इसके ऊपर ही पहन रही है। पीछे जा, पीछे पीछे जा, पीछे मतलब ऐसे जा। इसको तो थोड़ा दे, ये रही निशु की ड्रेस, कैसी है, सही है? अरे क्या हो गया यार, सिंपल दिखाई दे रहा भाई, तो देख लूज भी नहीं है तुझे, फिट है ना, सुंदर लग रहे भाई, सुंदर लग रहा है भाई। ब्लू बन गई तो ब्लू वेल बन गई। मंगलसूत्र बोल रहे, टाइम हो गया जी 2:45 और थोड़ा सा चल दिया, थोड़ा बाहर को जहाँ जाएंगे वहाँ को आप साथ में ही जाएंगे, चलते हैं। बाकी सब तो हो गए, मंगलसूत्र बोल रही थी, याद आ गया। अब ठीक है जी, चलते हैं भाई, चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं। आज लेट कराए, लेट हवा ऐसे चल रही, मैं तो घर से बाहर निकली, अभी बिगड़े गए, कहाँ से कहाँ गए। योशी बोल रही है, योशी ने 2-3 किताबें ली हैं, सॉरी 3 किताबें ली हैं, अगर ये बोर होगी तो पढ़ने के लिए। निशु बोल रही मैंने 2 ली हैं, ये एंजॉय करने जा रही है किताबें पढ़ने। बोलो जय बजरंग बली की, जय गणेश जी महाराज की जय। थोड़ा सा लंबा सफर है जी, 1.5 घंटे का, चलते हैं।
गए जी, सही 4 बज गए। 4 बजे पहुंचे, दिखाते हैं कहाँ पहुंचे अभी। जी बहुत तेज धूप पड़ी है, ये तो और पहले का बोल रहे थे, और पहले चलेंगे और कहते धूप अब होते, बहुत तेज धूप हो रही है। ये देखो चमक रहा है हमारा मुंह, इतनी तेज धूप है। अनिसु अनिसु ये पहुंच गए जी। केरला में तो जी बीच ही बीच है, तो आ जाए कोई दूसरे बीच पे। ये इधर तो है नेपट्यून, क्या था रे, वाटर स्पोर्ट्स। तो ये इधर पता नहीं क्या स्पोर्ट्स का है, इसलिए आ गए इधर की, थोड़ा देख के आते हैं स्पोर्ट्स के लिए क्या है क्या नहीं। बस बोटिंग है आई थिंक, और ये बाइक चला रहा है, इसलिए बाइक के लिए और चला रहा है। ये बीच तो ठीक है सर जी, धूप है पर बहुत तेज, पर भैया इधर से तो संदेहता रहेंगे ही, जब तक अस्त नहीं होते तब तक तो दिखते रहेंगे। वोटिंग वोटिंग तो फिलहाल कोई नहीं कर रहा, वो तो कर रहे उधर। हम लोगों ने जो सोचा था ना वाटर स्पोर्ट्स का होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ नया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगा इधर का। एक तो फोटो लेके इधर से चलते हैं, कहीं और चले हैं। इधर भीड़ भीड़ भी ना है, ऐसे बहुत कम लोग ही। तो एक तो धूप है, ये रीजन भी है, एक ये रीजन भी है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा मुझको तो। है योशी, योशी आप मायूस हो गई, जो जो सोच के आए थे, योशी ने सर्च किया था। अभी सर्च में चीज ऐसे होता है जो लिखा कुछ होता है, असलियत में निकलता कुछ है। चलो कोई नहीं, इधर एक इसका साथ फोटो ले लेते हैं। इधर लिखा हुआ है यही नेपट्यून, नीचे कुछ और लिखा है, मोटर स्पोर्ट नहीं लिखा। मुनम्बम ये जगह का नाम है, ये तो है ना योशी, ये जगह का नाम है ना, इसके साथ ले चल खड़ा। यहाँ पे लगाई जी 20 मिनट, खास नहीं है कुछ, बस 2-4 वीडियो लेके थोड़ा सा घूम के आ गए, अभी चलते हैं कहीं और। टाइम हो गया जी 4:45, इधर पार्किंग में लगा दिया। ये देखो पेड़ तो बहुत बड़ी बड़ी उंगलियां लग रही है इस पे, तो ऊपर ऊपर से ये देखो कितने बड़े बड़े। ये है जी चेन्नई बीच, इस पे देखो कितनी सारी भीड़, बहुत भीड़ है। ये पतंग उड़ रही है, ये दो तीन उड़ाने लग रहे। भीड़ भाड़ वाला इलाका, आज तू कहाँ रही है बे? अच्छा तू भी साथ चल रही है, अच्छा इधर हाँ चलो। ये गए पतंग, ये उड़ाने लग रहे यहाँ से। इधर थोड़ा खाली खाली, थोड़ी खाली वाली जगह में जाते हैं जी हम लोग, पानी में कब जाएंगे? अरे मेरे तो पजामे में घुसने लग गए जी रेत, थोड़ा ऊपर कर लिया उसी पैंट को, चप्पल को रख दे पीछे जाके, उधर पत्थरों पे रखिया, कोई ना उठायो बेटा योशी, वो पत्थरों पे रखे, वैसे साफ है जी इस बीच पे ना। ये देखो मतलब इधर भी साफ है पूरा, और पानी में भी ऐसे कुछ कचरा नहीं है, ये चीज तो है। कुछ कचरा नहीं है, पूरी बीच पे चल के आ गए, कितना सर देखो एकदम साफ है, क्लीन है, पानी तो जैसा है वैसा है, थोड़ा गिदला और वैसे साफ है, पूरी गंदगी नहीं है कि कुछ पानी में जैसे पड़ा रहता फूल फाल कुछ पेड़ वेड़ ऐसा कुछ नहीं है। नीचे ज्यादा अंदर नहीं जाना, किसी बच्चे ने महल बना रखा है जी यहाँ पे जी, थोड़ा सा खाली है तो हम लोग इधर ही इंजॉय करेंगे अपनी, कुछ फोटो वीडियो इधर ही लेंगे, ये एरिया थोड़ा सा खाली है इधर का। और ये रहे संदेवता,
अच्छा बीच। बेचारी की मेहनत बेकार हो गई। लक्ष्मण तेरी लक्ष्मण रेखा गई। ये कोई तो बहुत अंदर जा रहा है, बट डर लगे हमको तो। हाँ ठंडी हमारे मेरे को ठंडी लगने लग गई, भीग चुकी हूँ सारी ऊपर से नीचे तक सारी भीग चुकी हूँ। चलो बेटा चलो निकलो, मना कर तब मन ना करे। जो ऐसी चल खड़ी हो जा, एक बार अच्छे से धोले रेत में। मैं तो बहुत जमीन ऐसी इतना वो डल गया जी, रेत जो लड्डू बना लूँ वो किटो में इतना रेत भल रहा है। 2-3 किलो रेत तो ले ही जाएंगे हम लोग। निकल गए बाहर, बाय बाय बीच कर दिन में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए आ जा मिसो, तो ठंडी लगने लगी, पानी से निकले थे हमारे बोते। योसी आ जा, ए हो गए इधर, बाय बाय मिसो। योसी खड़े हो, नाम नहीं लिखते हैं। चल 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 आ जा। रेत को हाथ फिर से भरने लग रही है। से चल, अब रेत के हाथ से भाग ली। क्या हुआ? तो अभी कोई आ रहा है जी, ठंडी लगने लगी मेरे को तो। अब गिल्ले में रहे। ये है रे, आजा
हेयर गंदा हो जाएगा ये तो। कहाँ से चले? टाइम हो गया जी, शाम की 6:15 को, जल्दी नहीं है ये, तभी बीच है ना, तो थोड़ा सा सूरज है अभी भी, कहाँ से दिखेगा। अरे नहीं मम्मी, गर्मी हो गई है ना स्टार्ट यहाँ पे, तो इसलिए है मतलब थोड़ा सा सूरज दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा। चलते हैं अभी, बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। बच्चे जिद कर रहे हैं कि रस्ते में कुछ खाना है, तो देखते हैं। पिज्जा पार्टी करने का मन है। बाल वाल मैंने सोचा नहीं था, बाल बनोगे पूरे पीछे से कैसे गंदे हो गए, ठंडी भी लग रही है, पूरी मिट्टी भरी तेरे बालों में, तो किसके बाद एक बार ही गया पानी बालों में, इतना संभाल मुँह पे भी पूरी मिट्टी, हाथ भी साफ नहीं है कि हाथ से आंख साफ करने से कुछ नहीं। चलते हैं और पहुंचते हैं घर, पहुंचते हैं, देखें कहीं रास्ते में रुकते हैं तो। चल रहे जी, 8:15 हम लोग घर पहुंच चुके हैं और लेट तो हो ही गया। अभी भूख लग रही है क्योंकि रास्ते में हालत में ऐसी थी ना, इतनी ज्यादा मिट्टी लग रही थी ना कि कहीं उतर के खा ले, कुछ ऐसी हालत में नहीं थे। तभी घर पे आके पिज्जा बेस लेके आ गए रास्ते में से और कुछ सामान, तभी मैं बनाऊंगी। बच्चे नहा धो रहे हैं, नहाने पे सबका झगड़ा हो रहा है, मैं पहले नहाऊंगी, मैं पहले, मेरा तो लास्ट का ही नंबर आया, बच्चे नहा रहे हैं। ब्लॉग को यहीं पर खत्म करती हूँ मैं क्योंकि अभी काम बहुत सारा है, फोन अभी उठाने का टाइम नहीं रहेगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। कल फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, आप सभी को शुभ रात्रि, राम राम जी।